हेलो बच्चों, आज थोड़ा फ्रिक्शन की दुनिया में चलते हैं। एनएलएम का पिछला सवाल हमने किया था, जहां हमने अच्छे से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखा था और इक्वेशंस लिखने सीखे थे। अब यहाँ पे फ्रिक्शनलेस की दुनिया ख़त्म हो गई है, यानी फ्रिक्शन आ चुका है। आपसे बोला जा रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक बड़ा सा कैपिटल एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है और ये सरफेस जो है ब्लॉक और ये जो भी ग्राउंड है इसके बीच में फ्रिक्शन का कुछ कोएफिशिएंट है वो म्यू टू दे रखा हुआ है और यहाँ से एक रस्सी जुड़ी हुई है। ये एक फिक्स्ड वॉल में ये दो पुलीज जो हैं ये सीमेंटेड हैं। इन पुली से रस्सी घूमते हुए इस पुली जो कि कैपिटल एम पे ही अटैच है, इस पे घूमते हुए इसके कांटेक्ट में है, यानी कि इन दोनों के बीच में भी कुछ फ्रिक्शन लगेगा जिसका कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू वन दिया हुआ है। तो बच्चों, आपको मैंने हमेशा सिखाया है कि जब कभी भी फ्रिक्शन का सवाल करना हो तो एकदम एक एक कदम फूंक फूंक के चलें और सबसे पहला दिमाग में जो सवाल आना चाहिए फ्रिक्शन का, अगर क्वेश्चन है तो ये आना चाहिए कि भाई आपका जो ऑब्जेक्ट है वो चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, कैसे डिसाइड करते थे? हम डिसाइड करते थे बेटा कि जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम लिमिट है वो होता है म्यू एस इंटू एन। अगर ये कम है किससे? नेट एक्सटर्नल फोर्स से, तो आपका ऑब्जेक्ट चलता था। अगर म्यू एस एन अधिक है किससे? नेट एक्सटर्नल फोर्स से, तो आपका ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हम ये बेसिकली पता नहीं लगा सकते कि ये एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी है, क्योंकि म्यू वन और म्यू टू डेटा के फॉर्म में नहीं दिए हैं हमें, एक अननोन के फॉर्म, मतलब अननोन क्या, मतलब एक वेरिएबल के फॉर्म में दे रखे हैं। म्यू वन और म्यू टू की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कोई डेटा नहीं गिवन है। तो ये चेक, जो इनिशियल चेक है, ये इनिशियल चेक को हमें बाईपास करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं चलाएंगे साहब, तो सीधे सीधे बिना सॉल्व किए आप बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो कुछ मज़ा ही नहीं रह जाएगा। इतनी बढ़िया कहानी जो बनेगी अभी आगे, यानी कि आपको इनको चलाना ही चलाना है, ये बात एकदम पक्की है। तो अब आप ज़रा एक चीज़ ध्यान से देखें, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कंस्ट्रेंड मोशन का। आप ज़रा ध्यान से देखिए, अगर ये ब्लॉक एक्स चलता है टी टाइम में, ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना बच्चों, ये पॉइंट जो है ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया है ना। अच्छा, ये पॉइंट जो है ये भी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, हाँ कि नहीं? ये जो एज है यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी कि यहाँ से भी एक्स रस्सी कम हो जाएगी और ये रस्सी, ये पुली जो है ये चल के इधर आ जाएगा ना बेटा आपका, तो ये रस्सी इसके नीचे चली जाएगी, यानी ये जो एक्स पोर्शन है ये कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। अच्छा, ये जो रस्सी आगे बढ़ी थी, ये पोर्शन, ये वाला जो एज है यहाँ आ गया, तो ये जो आगे बढ़ी थी ये भी तो गई, यानी ये एक्स और ये एक्स, ये अपनी इनिशियल पोजीशन से जो छोटा एम है वो 2x नीचे जाएगा, ना कि एक्स। बच्चे अक्सर ये कंस्ट्रेंट मोशन नहीं लगा के गड़बड़ कर देते हैं। तो हमें पता चला कि भाई ये हॉरिजॉन्टली, अगर आपका कैपिटल एम चल रहा है एक्स, तो ये जो छोटा एम है ये आगे तो एक्स चलेगा ही चलेगा, ये से चिपक के ही आगे तो एक्स चलेगा ही चलेगा, एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में कितना चलेगा? 2x चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब इसी एक्स को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो dx बाई dt, अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी नीचे की तरफ हो जाएगी 2v, और अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो जाएगा 2a। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आती है? ओके, तो अब सबसे पहला काम फ्री बॉडी डायग्राम। तो काफ़ी कुछ दिख रहा है, काफ़ी कुछ खिचपिच भी हमने समझ लिया करके यहाँ पे,
स्क्रिबलिंग ज़्यादा हो गई है, नीचे अलग से अलग अलग करके सारे कंपोनेंट्स को फोर्सेस दिखाते हैं। तो ये कैपिटल एम मास का है, इसी पे पुली भी लगा हुआ है। रस्सी वस्सी काटेंगे तो हर जगह टेंशन टी आएगा, यहाँ से काट देंगे तो टेंशन टी, टेंशन टी यहाँ से काटा तो टेंशन टी, टेंशन टी यहाँ से काटा तो टेंशन टी, टेंशन टी। उधर ऊपर मत देखिए, यहाँ जूम करके बना देता हूँ आपके लिए। तो इस पुली पे टेंशन इस तरफ, टेंशन इस तरफ। अच्छा, भार है धरती पे, बोझ है, तो भाई MG तो लगेगा ही लगेगा। अच्छा, धरती बोलेगी नहीं मैं तोड़ के नहीं जाने दूंगी, तो रोकेगी एक N2 फोर्स लगा के। अच्छा साहब, ये आप आगे चला रहे हैं A से, तो फ्रिक्शन बोलेंगे, मेरा काम है टांग अड़ाना। और चल रहे हैं तो ये मैक्सिमम वैल्यू ही लगेगी, यानी कि μ2 N2। अच्छा साहब, और ज़रा देखें, और कुछ यहाँ पे ये जो रस्सी बंधी हुई है इसका टेंशन लग रहा होगा, ठीक है। अच्छा, और कुछ लगेगा, देखते हैं लगेगा, पहले इनका ड्रॉ कर लेते हैं, छोटे वाले का। ये जनाब जो हैं इन पे फोर्सेस लग, देखते हैं ऊपर की तरफ रस्सी लगा रही है टेंशन, नीचे लग रहा है MG। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में कितना चल रहे हैं, उतना ही जितना कि ये चल रहा, क्योंकि ये जितना धक्का मारेगा उतना ही एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ सकता है। तो जितना एक्स एक्स इसने चला उतना ही एक्स इसने चला, जितना वी इसने चला उतना वी इसने चला, जितना ए इसने चला उतना ही ए एक्स डायरेक्शन में इसने चला। अच्छा, वाई डायरेक्शन में, अच्छा इधर देखिए ज़रा, ये धक्का मार रहा है ना इसको, ये इसको धक्का मार रहा है ना, तो एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा N1। अच्छा, और ये नीचे चलेंगे ना कितने एक्सेलरेशन से, 2a से, ये अभी देखा हमने। अब ये 2a से नीचे चलेंगे तो फ्रिक्शन बोलेगा, साहब मेरा काम है टांग अड़ाना, FR1। और ये मैक्सिमम वैल्यू पे एक्ट कर रहा हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप मोशन में हैं। ये कितना हो जाएगा बेटा, μ1 N1 हो जाएगा। अच्छा, अब जितना फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन ये N1 और FR1 ये बड़े वाले ब्लॉक ने छोटे पे लगाया, न्यूटन के थर्ड लॉ से यही एकदम इक्वल एंड ऑपोजिट N1 और FR1 मैक्स, ठीक है। अब एक काम करिए, स्क्रीन को पॉज करिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और बहुत ध्यान से देखिए कोई फोर्स मिस तो नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से तो भाई मिस नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर एक भी फोर्स मिस हो गया तो सारी इक्वेशन हमारी गड़बड़ हो जाएंगी, क्वेश्चन बर्बाद हो जाएगा। तो वंस वी आर डन विद द FBDs, इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं भाई। इसके लिए ज़रा देखिए क्या लिखेंगे, इसके लिए σFy तो 0 होगा, क्योंकि ना ये आसमान में उड़ सकता है और ना ये धरती तोड़ के अंदर जा सकता है। तो FY 0 कराते हैं, तो आप ज़रा देखें नीचे की तरफ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, सब MG लग रहा है, और नीचे क्या लग रहा है, ये एक टेंशन लग रहा है, और नीचे कुछ लग रहा है, MG लग रहा है, हाँ ये फ्रिक्शन भी तो लग रहा है टेंशन के साथ साथ, FR1 मैक्स, ठीक है। और रोक कौन रहा है, अकेला N2 रोक रहा है। FR1 मैक्स की हम वैल्यू रख सकते हैं MG प्लस T प्लस μ1 N1 इक्वल टू N2। सही लिखा भाई, मेरे हिसाब से सही लिखा, पहली इक्वेशन बन गई। σFx इज इक्वल टू कैपिटल MA, क्योंकि A से एक्सेलरेट करा रहे हैं आप x डायरेक्शन में। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए कौन चला रहा है, एक तो ये टेंशन चला रहे हैं, एक ये टेंशन चला रहा है, रोक कौन रहा है, एक ये N1 रोक रहा है और एक ये FR2 मैक्सिमम रोक रहा है। यानी लिखेंगे 2T माइनस N1 माइनस FR2 मैक्स इज इक्वल टू बड़ा M into A। चेक करिए भाई, सब सही लिखा, एकदम सही लिखा। तो इसको लिख दूंगा 2T माइनस N1 माइनस FR2 मैक्स हो जाएगा बेटा μ2 N2 इज इक्वल टू M into A। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब यही काम इनके लिए लिखते हैं,
ये देखिए, इसके लिए अगर सिग्मा एफ एक्स लिखूँ तो एक्सेलरेट कर रहा है ए एक्सेलरेशन से एक्स दिशा में, तो छोटा एम ए। तो ये कैसे लिखेंगे बेटा, आप ज़रा देखिए, एक ही फोर्स केवल लग रहा है, बहुत आसानी से लिख दिया, एन वन बराबर एम इन टू ए, ये थर्ड इक्वेशन बन गई। और सिग्मा एफ वाई जो है वो हो जाएगा एम इन टू टू ए, नीचे चल रहा है टू ए से, तो लिख देंगे एम जी नीचे माइनस एफ आर वन मैक्स ऊपर की तरफ माइनस टी ऊपर की तरफ इक्वल टू एम इन टू टू ए। तो इसको एफ आर वन मैक्स की वैल्यू रख देते हैं, एम जी माइनस म्यू वन एन वन माइनस टी इज इक्वल टू टू एम ए। अब ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ से एन वन की वैल्यू उठा के हम इस इक्वेशन में रख सकते हैं, यानी ये आ जाएगा एम जी माइनस म्यू वन, एन वन की वैल्यू रख दिया एम ए माइनस टी इज इक्वल टू टू एम ए, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन बन गई। अच्छा, एन वन की वैल्यू इतनी छोटी सी है, प्यारी सी, तो क्या करते हैं, उठा के फर्स्ट और सेकंड में भी रख देते हैं, यानी इसको उठा के फर्स्ट में और यहाँ सेकंड में भी रख देते हैं। तो ये जो इक्वेशन बनेगी, ये ज़रा मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, एम जी प्लस टी प्लस म्यू वन, एन वन की जगह रख दिया एम ए इक्वल टू एन टू, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन में ज़रा देखिए, टू टी माइनस एन वन की जगह रख दिया एम ए माइनस म्यू टू एन टू, एन टू रख सकते हैं क्या, ये एन टू उठा के इसमें रख देते हैं, ये आ जाएगा कैपिटल एम जी प्लस टी प्लस म्यू वन एम ए। भाई साहब, कैलकुलेशन की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, मेरा साथ देते रहिएगा। कॉन्सेप्ट यहीं पे ख़त्म हो गया, ये चार इक्वेशन जहाँ बन गए, कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। आप कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, डरावनी है, ज़रा ऊपर वाले का नाम लेके मेहनत करते हैं यहाँ पे, चाहो ऊपर वाले ने तो आ जाएगा सही आंसर। तो मैंने एन टू की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, इक्वल टू कैपिटल एम एन टू ए। मेरे हिसाब चेक करना भाई, कोई गलती तो नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है। चलिए भाई साहब, यहाँ तक हमने गाड़ी पहुँचाई अपनी। अब आप ज़रा देखें, यहाँ से टेंशन जो है कॉमन लेते हैं, ये आ जाएगा टू, यहाँ से माइनस म्यू टू, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एम ए माइनस म्यू टू कैपिटल एम जी माइनस म्यू टू म्यू वन एम ए इक्वल टू बड़ा एम ए, ठीक। अच्छा जी, अब इस इक्वेशन में कौन कौन अननोन है, एक टेंशन अननोन है, एक एक्सेलरेशन अननोन है, एन वन एन टू को एलिमिनेट कर दिया हमने, वैसे ही इस इक्वेशन में भी अगर आप देखें तो टेंशन अननोन है और एक्सेलरेशन अननोन है, दो इक्वेशन दो अननोन, बहुत मज़े में सॉल्व होगी। एक्सेलरेशन आपको चाहिए है तो क्या करिए, टेंशन को एलिमिनेट करते हैं, यानी यहाँ से टेंशन की जो वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी साहब, ये आ जाएगी कितनी आ जाएगी भाई, टेंशन आ जाएगी एम जी माइनस एम ए म्यू वन, यहाँ से माइ प्लस टू, ये भी माइनस होगा ना, चेक करिए भाई सही है कि नहीं, मेरे हिसाब से वो सही है। अब ये जो टेंशन की वैल्यू है ये इसमें रख देते हैं, तो यहाँ तो जगह नहीं बची है, मैं ज़रा यहाँ सॉल्व करता हूँ, या चलो यहीं से करते हैं, वहाँ देखें जब यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो टेंशन की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ मैं, ये माइनस टू क्यों लिख दिया भाई, टू है पॉजिटिव है, तो ये हो गया साहब एम जी माइनस एम ए म्यू वन प्लस टू,
इंटू टू माइनस म्यू टू माइनस एम ए माइनस म्यू टू एम जी माइनस म्यू वन म्यू टू एम ए इज इक्वल टू बड़ा एम ए। अब देखिए भाई, राक्षस बन रहे हैं यहाँ पे, दशानन बन रहे हैं। बहुत संभल के काम करिएगा। ये ब्रैकेट वैकेट ज़रा खोलते हैं, टू एम जी, दरवाज़ा बंद कर देते हैं यहाँ पे, टू एम जी माइनस टू एम ए म्यू वन, ठीक है, माइनस फोर एम ए, एकदम सही। और फिर उसके बाद माइनस म्यू टू एम जी प्लस म्यू टू एम ए म्यू वन, और प्लस म्यू टू एम ए इंटू टू माइनस एम ए माइनस म्यू टू एम जी माइनस म्यू वन म्यू टू एम ए इज इक्वल टू बड़ा एम इंटू ए। कुछ कट पिट रहा हो तो भाई बड़ी खुशी की बात है, कुछ कट पिट रहा है। हाँ जी, ये देखिए, ये दोनों कट रहे हैं। तो अब क्या करते हैं, जी वाले इस तरफ रखते हैं, ए वाले उधर सेपरेट आउट कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, टू एम जी, ये ए वाला जी वाला इधर रखिए, माइनस म्यू टू एम जी, फिर ये ए वाला यहाँ पे म्यू टू बड़ा एम जी इक्वल टू, ए वाले सारे बटोरते हैं कैपिटल एम, और इधर से ए वाले एक एक उठाते जाते हैं प्लस एम, इधर से आ जाएगा माइनस टू म्यू टू एम, ठीक है। ये जी वाला इधर चला गया, ये आ जाएगा प्लस फोर एम, और यहाँ प्लस टू एम म्यू वन, ठीक है। तो यहाँ जगह ख़त्म है, यहाँ लिखता हूँ एक्सेलरेशन जो आया आपका, ये आया टू एम जी माइनस म्यू टू एम प्लस एम इंटू जी डिवाइडेड बाय आ जाएगा एम प्लस ये एम, और फोर एम बनेगा फाइव एम, ठीक है। और माइनस टू म्यू टू एम प्लस टू म्यू वन एम, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, सजाना संवारना चाहें अगर इसको, बिल्कुल सजा संवार सकते हैं, म्यू टू एम प्लस एम जी डिवाइडेड बाय एम प्लस, यहाँ पे क्या लिखें, फाइव एम माइनस टू म्यू टू माइनस म्यू वन, और एम पूरा ही कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे पूरा एम कॉमन ले लिया, ठीक है। तो सीधा जाके इस तरह से आंसर आ जाता है। तो बच्चों, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट तो फ्री बॉडी डायग्राम, सारे फोर्सेस दिखाना और कंस्ट्रेंट मोशन ही था, चार इक्वेशंस लिखने थे। लेकिन ये जो भयंकर काम किया है, इसमें किसी भी एक स्टेप पे गलती अगर हो गई तो फाइनल आंसर आपका सही नहीं आ पाएगा। कैलकुलेशन भी अच्छे से टेस्ट कर ली है इस सवाल ने हमारी। तो होप यू लाइक डिट बच्चों। बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, फिर बोलते हैं सर आ नहीं रहा। बट आ नहीं रहा वाली बात नहीं है, आपको अगर FBD बनाना आता है, इक्वेशन लिखना आता है, तो आप कर लेंगे। बस कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन में एक जगह कहीं चूक कर देते हैं, तो
उसको एलिमिनेट करें, थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन पे भी वर्क करें, कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियसली आना ही आना चाहिए। होप यू एंजॉयड गाइस, थोड़ा सा आज टीडियस हो गया लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम डरते थोड़ी हैं ऐसे छोटे मोटे चीज़ों से। मिलते हैं आपसे अगली बार, थैंक यू।